मॉर्निंग स्टूडेंट जैस्मिन फराज अगेन वेलकम यू ऑन माई चैनल। ऑलरेडी वी हैव फिनिश चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6। वी ऑल्सो सी फाइनल अकाउंट चैप्टर नंबर 1। नाउ विल मूव टू द चैप्टर नंबर 2, अकाउंट फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नाउ फर्स्ट विल सी द मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नाउ नाम में ही बताता है वो कि नॉट फॉर अ प्रॉफिट कंसर्न। कंसर्न मीन्स बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, और अगर प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है तो उसका अकाउंट क्यों रखना है हमें। ओके, सो विल सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट। सी हियर, ट्रेडिंग अकाउंट दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन हु ट्रेड for the profit. Second one is a non-trading account. This is also known as a not-for-profit organization. That means the organization which does not work for the profit. So what are the main aims of this organization? So first is to provide service to the people. Let's see the feature of non फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट फीचर इज डू नॉट वर्क फॉर द प्रॉफिट। अभी मैंने बताया है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। फिर किसके लिए करती है, तो वर्क फॉर वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर एंड सोसाइटी। जो भी उनके मेंबर्स होंगे और सोसाइटी होगी उसके लिए वो काम करती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट होती है, देखो, देन ओल्ड एज हाउस होते हैं जो ज्येष्ठ नागरिक को हम देखो रखते हैं, ठीक है, देन प्रमोशन ऑफ आर्ट्स कल्चर स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सब इसमें आते हैं। स्पोर्ट्स क्लब्स, ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में आते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन। अगर भैया ये कैपिटल नहीं कमाते हैं तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करते हैं। कैपिटल मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड इन टू द बिजनेस। सो देखो उनके पास क्या क्या रास्ते होते हैं। फर्स्ट एंट्रेंस फी, मतलब अगर किसी पर्सन को मेंबर बनना है स्पोर्ट्स क्लब का, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते स्पोर्ट्स क्लब का, तो उसे अगर मेंबर्स बनना है तो उसको एंट्रेंस फी देनी होती है। ओके, देन मेंबरशिप, साल भर की मेंबरशिप फी भी होती है। देन लीगसी होती है। लीगसी मतलब क्या कि अगर कोई मेंबर, उसमें से किसी मेंबर की डेथ हो गई तो उसके जो भी प्रॉपर्टी वो अपनी खुशी से क्या कर सकता है, ये क्लब को या फर्म को डोनेट कर सकता है, उसको बोलते हैं लीगसी। तो ये भी इनकम उनके पास होता है। देन सरप्लस, सरप्लस मतलब जब अकाउंट क्लोज करते हैं तो उनको समझ में आता है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। लेकिन नॉट प्रॉफिट में प्रॉफिट और लॉस वर्ड यूज नहीं करते, तो प्रॉफिट के लिए सरप्लस यूज करते हैं। तो सरप्लस के भी पैसे ऐड होते हैं कैपिटल में। एंड फाइनली डोनेशन, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज लोग इस फर्म को क्या करते हैं, डोनेशन भी देते हैं, क्योंकि ये किसके लिए काम करती है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। जैसे मैंने कहा है हॉस्पिटल, देखो बड़े बड़े चैरिटेबल हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे बहुत ही कम फी में उनका इलाज किया जाता है मरीजों का, ठीक है, पेशेंट्स का इलाज किया जाता है, तो वहां पे भी पैसे की जरूरत होती है। तो बड़े बड़े लोग, पॉलिटिकल पार्टी, देन बिजनेसमैन क्या करते हैं, डोनेशन भी देते। तो इस तरह से वो पैसे कलेक्ट करते हैं और कैपिटल अपना इंक्रीज करते, बिकॉज यहाँ पे किसी एक की ओनरशिप नहीं होती है। जैसे कि हमने देखा है पार्टनरशिप फर्म में देखा है, सोल ट्रेडर में देखा है ना, तो उनके खुद सोल ट्रेडर अपना पैसा खुद बिजनेस में डालता है, पार्टनर्स अपना पैसा खुद बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। बट यहाँ पे तो किसी एक की ओनरशिप नहीं होती है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो यहाँ पे फिर कैपिटल कौन रेस करेगा। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, कैपिटल कलेक्ट करते हैं एंड दे इंक्रीज देयर कैपिटल। आई होप आपको समझ में आया है ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग का डिफरेंस। विल मूव टू द नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट, और अच्छे से हम समझते हैं। तो पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो नाम में ही लिखा है प्रॉफिट, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू अर्न द प्रॉफिट। सी हियर, टू अर्न द प्रॉफिट।
इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू प्रोवाइड द सर्विस. तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट, वर्क फॉर डैश, और इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज डैश टू प्रोवाइड द सर्विस. ओके, द नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ओके, अभी मैंने बताया कि फॉर फिट कंसर्न जो होता है वो ऑफकोर्स क्या करता है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करता है, बिकॉज उसे अपना अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना होता है, पब्लिक को पब्लिश करना होता है, तो उसको क्या करना होता है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना होता है. बट वॉट अबाउट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न? सो दे डोंट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, दे प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट. सी हियर, दे प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट. यहाँ पे क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के बजाय वो बताते हैं रिसीट एंड पेमेंट. हम आगे चल के सीखेंगे कि व्हाट इज द रिसीट एंड पेमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड रिसीट एंड पेमेंट. हियर ऑल यू रिमेम्बर वी हैव सीन इन 11th स्टैंडर्ड ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं. लेजर बैलेंस जो होता है, जो लेजर क्रिएट करते हैं आफ्टर क्लोजिंग, व्हाट एवर द बैलेंस लेफ्ट दैट वी सपोज टू ट्रांसफर ट्रायल बैलेंस. फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर का अगर लेजर ओपन किया है तो ओपनिंग परचेज सेल्स वगैरह करके जो भी फाइनली 31 मार्च को बैलेंस बचता है वो हम किधर करते हैं, ट्रायल बैलेंस में. हियर रिसीट एंड पेमेंट में तो हम लोग को क्वेश्चन में जैसे फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस आता है, ठीक है, वैसे यहाँ पे हमें मिलेगा रिसीट एंड पेमेंट. और विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट वी आर गोइंग टू मेक डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट. अब कौन कौन से अकाउंट है नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं. अब यहाँ पे जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, दे प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. फाइनल अकाउंट हमने किया है, आपने इसमें सीखा है. ट्रेडिंग अकाउंट मींस द अकाउंट विद रिलेटेड विद द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड बैलेंस शीट असेट एंड द लायबिलिटी. तो ये तीन अकाउंट हमें ओपन करने होते हैं. अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हमें क्या होता है, रिसीट एंड पेमेंट तो हमको एज अ क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है. जैसे ट्रायल बैलेंस हम लोग पोस्टिंग करते हैं, सेम हमें रिसीट एंड पेमेंट की हेल्प से पोस्टिंग करना है. तो मेन अकाउंट हमें कौन से बनाने हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. अब और एक ट्रिक बताती हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोथ आर नॉमिनल अकाउंट, तो इनके रूल भी सेम होने वाले हैं. जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में वी राइट डेबिट साइड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन्स, इफ यू रिमेम्बर. तो सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी हम क्या करेंगे, डेबिट साइड हम लिखेंगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड गेन. तो सेम है, सिर्फ नाम बदला है, बिकॉज हियर वी वर्क फॉर द प्रॉफिट सो वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस. बट यहाँ पे मना ही है प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज करने की, बिकॉज यहाँ पे ही हमने क्लियर कट किया है कि वी वर्क फॉर द सर्विस फॉर द वेलफेयर. सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वी आर ओपनिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बट बोथ आर नॉमिनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला दोनों के लिए सेम एप्लीकेबल है. ओके, नेक्स्ट वन इज द बैलेंस शीट. ऑफकोर्स यहाँ पे बैलेंस शीट ओपन करनी है, बिकॉज जैसे नॉन प्रॉफिट कंसर्न में असेट होती है, लायबिलिटी होती है, मतलब फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, क्रेडिटर्स होता है, बैंक लोन होता है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही होता है. तो यहाँ पे भी हमें रिकॉर्ड रखना है कि चैरिटेबल ट्रस्ट का असेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, हॉस्पिटल अगर है तो हॉस्पिटल का असेट कितना है, देन लायबिलिटी कितनी है, ये सब हमें यहाँ पे मेंशन करना है. सो दिस इज ऑल्सो सेम. तो बदला कुछ नहीं है, सिर्फ नाम बदले हैं बस, बाकी रूल्स हमें सेम ही लिखना है. पोस्टिंग भी हमें सेम करनी है, एडजस्टमेंट भी हमें नियर अबाउट सेम करनी है. पोस्टिंग हैज वन इफेक्ट एंड एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट. तो ये दोनों रूल हम यहाँ दोनों पे एप्लीकेबल है. ओके, नाउ रिजल्ट. अभी मैंने कहा है कि इट्स वर्क फॉर द प्रॉफिट, तो ऑफकोर्स दे विल गेट आइदर प्रॉफिट और लॉस. हियर दे विल गेट सरप्लस और डेफिसिट, है ना, बिकॉज ये भी फर्म काम तो करने वाली है. अगर काम कर रही है तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो इनकम चाहिए, अगर इनकम आ रहा है तो खर्चा भी तो होगा. सो हियर ऑल्सो वी नीड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सो वॉट एवर द बैलेंस विल गेट विल कॉल्ड सरप्लस, मतलब प्रॉफिट को हम यहाँ पे सरप्लस कहेंगे और लॉस को हम यहाँ पे कहेंगे डेफिसिट, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन, ओनर्स फंड. अभी मैंने बताया कि यहाँ पे ओनर्स फंड खुद ओनर इन्वेस्ट करता है, ठीक है, ओनर इन्वेस्टमेंट.
बिकॉज यहाँ पे सोल ट्रेडर पार्टनरशिप वो होल एक ही ओनर होते हैं, या पार्टनरशिप में दो या तीन ओनर होते हैं, तो अपना पैसा खुद अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बट यहाँ पे किसी की ओनरशिप नहीं होती है। यहाँ पे ये ट्रस्ट होता है, कुछ मेंबर एक साथ आके क्या करते हैं, ये ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं, रन करते हैं, तो उसके लिए उनको पैसा तो चाहिए। तो अभी मैंने लास्ट लाइन में एक्सप्लेन किया है, दे गेट द डोनेशन, सरप्लस, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, मेंबरशिप फी, दे कलेक्ट द मनी इन अ फॉर्म ऑफ सच व्हाट वी कैन से द सब्सक्रिप्शन डोनेशन सरप्लस। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट नीड फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी मैंने कहा है कि यहाँ पे हमें नीड क्यों है, हमें क्यों मेंटेन करना है, अगर हम प्रॉफिट या लॉस नहीं अर्न करते हैं तो हमें मेंटेन क्यों करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू मेंटेन द प्रॉपर कंट्रोल ओवर मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। अभी मैंने कहा है कि ऑफकोर्स ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, बट दे नीड मनी, दे नीड इनकम, देन ओनली दे कैन रन देयर बिजनेस। बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जहाँ पे इनकम है वहां पे एक्सपेंडिचर भी होगा, तो ये सब पे हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो इसके लिए हमें अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है। नेक्स्ट विल सी टू नो द सोर्स ऑफ इनकम एंड हेड ऑफ एक्सपेंडिचर। हमें पता भी तो होना चाहिए कितने लोगों ने हमें डोनेशन दिया, कहाँ कहाँ से मेंबरशिप फी आई, कितनी एंट्रेंस फी कलेक्ट हो गई, तो हमें इनकम का सोर्स भी पता होना चाहिए, और जो इनकम आया है वो खर्चा किधर हुआ है। मम्मी भी तो ऐसे ही करती है, पापा ने मम्मी को सैलरी दी तो मम्मा क्या करती है, उसका प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करती है कि इनकम कितना है और उस हिसाब से एक्सपेंडिचर हमें कितना करना है। ऐसे तो नहीं होगा कि इनकम हमारा 30,000 है और एक्सपेंसेस हम लोग 50,000 मम्मी करेगी, नो इट्स नॉट पॉसिबल। सो टू नो द सोर्स ऑफ इनकम, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, टू नो द सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ द कंसर्न ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। अ पर्टिकुलर पीरियड मतलब क्या, ऑल यू नो, अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट विथ 1 अप्रैल एंड एंड विथ 31 मार्च। तो यहाँ पे भी सेम ही अकाउंटिंग पीरियड्स है, सो दिस इज पर्टिकुलर पीरियड मतलब 12 मंथ्स। क्या करना है, टू नो द सरप्लस, हम ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन डेफिसिट में, लॉस में जा रही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा दिन टिकेगी क्या, नहीं, ऑफ कोर्स कोलैप्स हो जाएगी। तो वी हैव टू नो वेदर आर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग वेल और नॉट। तो इसके लिए भी, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए भी क्या करना है, हमें अकाउंट मेंटेन करना है। ओके, नाउ वेल नेक्स्ट सी, टू नो द नेट वर्थ ऑफ कंसर्न पर्टिकुलर डे। नाउ नेट वर्थ, अभी मैंने कहा है कि यहाँ पे भी हमको बैलेंस शीट की जरूरत होती है, फाइंड आउट फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, कितना नेट वर्थ है ऑर्गेनाइजेशन का, कितना असेट है एंड कितनी लाइबिलिटी है, तो ये भी चेक करना है हमें। सो दैट इज वाई वी नीड फॉर मेंटेनिंग अकाउंट, देखो क्यों हमें जरूरत है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट विल सी टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड असेट। ऑफ कोर्स यहाँ पे अब कोई एक ओनर नहीं है, यहाँ पे कुछ मेंबर एक साथ आते हैं, दे कम्स टूगेदर एंड स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑफकोर्स यहाँ पे ध्यान देने की भी जरूरत है। माल प्रैक्टिस मतलब कोई गैर काम तो नहीं हो रहा है, जो भी उन्हें डोनेशन मिला है, सब्सक्रिप्शन मिला है, एंट्रेंस फी मिली है, उसका पूरी तरह से अच्छा उपयोग हो रहा है या नहीं, यूजेस हो रहे हैं या नहीं, ये भी चेक करना है। सो ये सब, और मिस अप्रोप्रिएशन मतलब क्या कि गलत कुछ इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है जो कैश मिली है उसकी, ये सब अवॉइड करने के लिए भी हमें अकाउंट मेंटेन करना होता है। ओके, तो आपकी ये क्वेरी कंप्लीट हो चुकी होगी, क्लियर हो चुकी होगी कि क्यों हमें नॉट प्रॉफिट का भी फाइनल अकाउंट ओपन करना है। नॉट प्रॉफिट का तो हम समझ सकते हैं, ओनर होता है, उसको इंटरेस्ट होता है कितना प्रॉफिट मिला है, कितना लॉस हुआ है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती उससे क्यों मेंटेन करना है, सो दिस आर द रीजन। आई होप आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट कंसर्न एंड नॉट प्रॉफिट कंसर्न।
नाउ अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, अभी मैंने बताया यहाँ पे प्रॉफिट कंसर्न में ट्रायल बैलेंस करते हैं, यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट। तो क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट जो पार्टनरशिप का होता है वहाँ पे ट्रायल बैलेंस आता है, और नॉन प्रॉफिट के क्वेश्चन में हमें रिसीट एंड पेमेंट क्वेश्चन में होगा, उसके हेल्प से हमें रिसीट एंड सॉरी उसके हेल्प से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्रॉ करना है। ओके, अकाउंट कौन कौन से होते हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट होता है बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग भी होता है यहाँ पे, बट यहाँ पे तो ओनली प्रोवाइडिंग द सर्विस, तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता है। नेक्स्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस, हियर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मैंने इसके पहले। देन वी हैव टू ओपन बैलेंस शीट, अभी मैंने कहा है कि नेट वर्थ अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें बैलेंस शीट की भी जरूरत है। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। सो थैंक यू सो मच, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। प्रिंटिंग मिस्टेक का भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो भी एक वीडियो देखो, उसमें मैंने चैप्टर नंबर 2 टू चैप्टर नंबर 6 में क्या टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है वो भी मैंने आपको मेंशन किया है। ओके, सो थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, अगर कुछ डाउट रहेगा तो उसमें पूछिए, श्योरली आई विल गिव द आंसर। थैंक यू सो मच, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।